अस्सलाम वालेकुम। तो आज तक की सबसे मुश्किल वीडियो मुझे यही लगी, क्योंकि इसको शूट करने में मेरे 35 मिनट जा रहे हैं। 35 मिनट कौन देखेगा वीडियो, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है कि आपके बारे में इन डिटेल बताइए, और फैमिली के बारे में, क्या ब्रदर्स आपकी कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो हम तीन भाई बहन हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे दो छोटे भाई हैं, अनस और मसना। एक BHMS में एडमिशन लेने वाला है इंशाल्लाह, और एक BCOM कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। बस यही है। अनम, कैन यू टेल मी अबाउट योर फेवरेट फीमेल सीनियर इन योर डिपार्टमेंट। और भी मेरे फेवरेट सीनियर रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि फेवरेट फीमेल सीनियर इन माई डिपार्टमेंट। तो हिबा पी थी, मुझे हिबा पी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो बहुत ही छोटी बहन की तरह ट्रीटमेंट देती हैं, और बहुत ही हम्बल है, आई लाइक हर, सबसे अच्छी वही लगती है मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने 12th किस मीडियम से किया था। मेरा 12th था यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से था, क्लास 12th परसेंटेज। क्या करना है जानकर, छोड़ो। AMU में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कहाँ से में कैसे प्लेसमेंट होता है पता नहीं, DPO देख लो इंस्टाग्राम पे। AMU में आपने एडमिशन के लिए कैसे प्रिपरेशन की, आप टॉपर थे हमेशा से भी AMU में, इसलिए हो गया या हम जैसे एवरेज स्टूडेंट का भी हो सकता है एडमिशन। कितनी बार में इंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, कैसे पढ़ाई की, और कहाँ से की एनी कोचिंग और नॉट। कितनी बार में इंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, इसका आंसर मैं देती हूँ। मैंने AMU में 9th में दिया था, 10+2 में 2 बार दिया था, BSc का दिया था, BLLB का दिया था, MSc का दिया था, फिर MTech में दिया था। तो मेरे 7वीं बार में हुआ था AMU में। और एक बार प्रिपरेशन में मैंने ऐसे किया था कि सिलेबस पढ़ा था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था बहुत ज़्यादा, और नेट पे MCQ बहुत देखा था, जो भी जैसे टॉपिक है उस टॉपिक को डालकर MCQ लिखो, उसको देखो, और YouTube पे देखा था, MCQ सॉल्व किया था, क्वेश्चन पेपर ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसे मेरी MTech की प्रिपरेशन हुई थी। बाकी BLLB में भी किया था प्रिपरेशन, उसमें मेरी कज़न ने हेल्प की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाया, उसमें भी बहुत मेहनत की थी, पता नहीं क्यों नहीं निकला। और क्या है, एवरेज स्टूडेंट टॉपर ये सब कुछ नहीं होता, कोई कहीं भी पहुँच सकता जब चाहे तो, जब जाओ तब सवेरा, ये बात है। और कोचिंग नहीं की थी, AMU के इंटरेस्ट में गाइडेंस ली थी ज़रूर, और बस ऐसे ही। क्वेश्चन है, हाउ वाज योर जर्नी ऑफ AMU, डिफाइन AMU इन वन वर्ड। डिफाइन AMU इन वन वर्ड में मैं कहूँगी एक्सपीरियंस। और जर्नी मेरी बहुत अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन मैंने डाउन से भी बहुत सीखा है, तो जो भी था मैंने सीखा बहुत। हेलो, आप AMU में कौन से कोर्स में हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे भी AMU से BTech करना है, मैं AMU में MTech से थी, अब तो नहीं हूँ। क्या आपने BTech और MTech दोनों AMU से किया है? नहीं, मेरा बस MTech AMU से था। योर लाइफ स्टोरी, हाउ यू गॉट इनटू AMU। लाइफ स्टोरी ये है कि AMU का मैं पर्सनली, मुझे कोई वो नहीं था, पापा को बहुत बड़ा ड्रीम था कि उनके बच्चे AMU से पढ़े, तो जब भी फॉर्म निकलता था वो उनसे पीछे पड़ जाते थे, डालो डालो, और मैं डालती थी, होता ही नहीं था, कितनी बार डाला और बस घिस आके वापस आओ, ऐसा लगता था, तो मैं थक जाती थी, लेकिन वो जब फॉर्म आए तब खड़े हो जाए कि डालो। MSc में मैंने MSc फिजिक्स का अप्लाई किया था, मैंने स्पोर्ट्स कोटे से बास्केटबॉल सर्टिफिकेट से, तो वहाँ पे मेरा हो गया था। मैं ट्रायल देने गई थी AMU में, ट्रायल भी हो गया, मतलब मैं इतने करीब थी एडमिशन के, लेकिन मेरा थ्योरी में नंबर कम था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। वो तो सबसे ज़्यादा बुरा उस वक्त लगा था कि इतना ट्राई करने पे भी नहीं हो रहा है AMU में। मेरा दिल जो होता है टूट चुका था कि अब मैं ना AMU की शक्ल देखूंगी, ना मैं अलीगढ़ की शक्ल देखूंगी। मुझे नफरत हो गई थी कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, एकदम नाउम्मीद हो गई थी। फिर MTech का जैसे ही पापा के दोस्त ने बताया, पापा के फॉर्म डालो, फिर पुश किया, तो डाला मैंने फॉर्म AMU में। मैं बस समझ लो, पापा के पुश करने से, हरदम फॉर्म डलवाने से, वरना मैं तो छोड़ देती, गिव अप कर देती कि होता होता है नहीं, क्या डालूं, लेकिन पापा पीछे पड़े रहे, जिसकी वजह से चीज़ें होती गई। ये थी लाइफ स्टोरी, वरना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था, नहीं होता था इतना डालने के बाद भी, और लोग ताना भी मारने लगे थे कि जाती है, होता नहीं है ऐसे करके, तो इसलिए खैर और भी है, छोड़ो। YouTube से फर्स्ट पेमेंट कितनी मिली आपको, एंड मंथली कितनी पेमेंट आती है? मैं क्यों बताऊँ, ये क्यों बताना है मुझे? मीटअप कब रख रही हो, ये सब मैं नहीं रख पाऊँगी। यू आर डूइंग MTech फ्रॉम विच सब्जेक्ट? नैनो टेक्नोलॉजी। कैन आई मीट यू एंड बी फ्रेंड विद यू, एंड आई वॉन्ट टू कुक सम फूड फॉर यू। अच्छा, थैंक यू, किसी और के लिए बना लो, मेरे लिए क्या बनाना, मैं फूडी नहीं हूँ। आफ्टर डूइंग BTech फ्रॉम AMU, व्हाट पैकेजेस वी कैन गेट? हैव यू डन डिप्लोमा फ्रॉम AMU? नहीं, मैंने ना BTech किया है, मैंने ना डिप्लोमा किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है। आई वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू ओवरकम द फियर ऑफ क्रिएटिंग ब्लॉग अमंग द पीपल, बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड सो इट इज नॉट सिंपल, मेनी टाइम मेनी पीपल फेस द शाइमिंग, सो प्लीज टेल। क्या है ओवरकम द फियर? मुझे डर नहीं लगती, मुझे इस बोलने में डर नहीं लगती, मुझे ऐसे व्लॉग बनाने में भी डर नहीं लगती। ये होता है, मैं अभी भी शाही, मुझे शर्म आती है लोगों के सामने व्लॉग बनाने में, मैं अकेले में बनाती हूँ, जब कोई नहीं रहता है तो मैं धड़ाधड़ बना लेती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लोगों में हेजिटेशन होता है, मैं नहीं बना पाती। अदरवाइज बोलने में तो मुझे इसमें नहीं, मुझे शर्म आती है डालने में कि लोग क्या ये हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिलता है। बाकी लोग क्या बोले, मैं क्या करूँ, वो बोलते रहेंगे, उनका काम है। और कुछ लोग तो चीज़ें ऐसे भी मैनिपुलेट कर देंगे कि पढ़ती लिखती नहीं है, ब्लॉग बनाती है, वीडियो बनाती है, इस वजह से वो मुझे अंडरएस्टिमेट करते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे अंडरएस्टिमेट करते हैं, तब मुझे बहुत मजा आती है कि करो अंडरएस्टिमेट, कोई जब तुम्हें अंडरएस्टिमेट करे, इट्स वन काइंड ऑफ फन, अगर तुम उसे गलत प्रूफ करो तो ये भी है, ये सब है। खैर, आप PhD कौन से सब्जेक्ट में कर रही हो? मैं PhD कर रही हूँ, पर मैं ब्रांच नहीं बताऊंगी अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, मैं नहीं चाहती। मैं अलीगढ़ में भी थी, मैं वहाँ से निकलने के बाद अब पहले बोल रही हूँ कि मैं MTech नैनो टेक्नोलॉजी मैंने किया। वैसे यहाँ से जब निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि मेरी ब्रांच कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड इन PhD? देखो, अभी मुझे एक महीना भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, और मैं अलीगढ़ में MTech के दौरान मैंने बहुत झेला है फ्रेंडशिप के मामले में, गलत दोस्ती कर करके,
जिसकी वजह से वो चीज़ मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों के 7-8 महीने बाद रन देखे थे, इवन कुछ लोगों के तो साल बाद। तो मुझे ट्रस्ट इशू है और मैं अपना टाइम लूंगी दोस्ती में, मैं 6-7 महीने बाद ओपनली बोलूंगी कि हाँ ये मेरे दोस्त है ना, मैं अभी किसी को टैग नहीं दे सकती, मैं बहुत ही कॉन्शियस हो गई इस मामले में। तो लेट्स सी, देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप AMU से IIT कैसे चली गई? क्योंकि मुझे PhD करनी थी और IIT जाना मेरा ड्रीम था, जाना था एक दिन, तो अल्लाह का शुक्र ऐसे में आ गई। तो सिस्टर, मुझे अपने बच्चों का एडमिशन AMU में करवाना है आफ्टर 8th क्लास, प्लीज प्रोसेस बताइए। तो पहली चीज़ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रेजेंट है, आप चाहे सर्च करें किस क्लास का है, 8th क्लास, तो आप सर्च करें, वहाँ हजारों वीडियो प्रोसेस के साथ आ जाएगी, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप वहाँ जाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगी। एंट्रेंस देना होता है, आपको अपडेट रहना होगा कि कब फॉर्म आता है AMU का, साल में एक बार आता है। आप इंस्टाग्राम पे AMU टेस्ट इन्फो फॉलो कर लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा कि फॉर्म आ गया है, फिर अप्लाई करना है, फिर इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें बाकायदा आप एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, मेरा ये सजेशन होगा। आपका PhD में एडमिशन कैसे हुआ, IIT जैम या गेट के थ्रू? मेरा ना जैम क्लियर है ना मेरा गेट है। फिर एक क्वेश्चन है, 12th बाद BA करना कैसा है? अगर देखो BA करना सही होगा तब उस 3 साल में तुम ये सोच लो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, परस्यू करना है, या तो उन तीन सालों में लग जाओ कंपटीशन की तैयारी, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करो, और अगर निकल गया तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं हुआ तब भी होप खत्म नहीं करनी है। एक सब्जेक्ट पकड़ना, मास्टर्स करना, मास्टर्स के बाद BEd कर लेना, BTC कर लेना, या फिर PhD कर लेना, मास्टर बन जाओगे बस। और अगर कर सकते हो तो कॉम्पिटिशन की तैयारी मास्टर में भी कंटिन्यू कर लो। तो ये मेरा ख्याल है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर, जामिया BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स और AMU BSc स्टैटिस्टिक्स? सब्जेक्ट में मैं क्या कहूँ, सबकी अपनी अपनी खासियत है इसमें, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अपने प्रोस कॉन्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स के अपने होंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँगी जामिया और AMU, मैं ये कहूँगी AMU से करो, AMU से कर सकते हो तो कर लो, बाकी आपकी मर्जी, जो सही लगे अपनी कन्वीनियंस के, घर के करीब हो तो जैसे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विलेज कब आएंगी? जब मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं अपने गाँव भी जाऊँगी। दूसरा है, PhD में कैसे एडमिशन लिया IIT में? मेरा PhD में यहाँ एडमिशन हुआ इंटरव्यू के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम अप्पी, AMU में 12th के बाद किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन कैसे ले? देखो एडमिशन लेने का प्रोसेस मैं सबको बता रही हूँ जिसको सुनना है, यूट्यूब पे जाओ, अपने कोर्स का नाम लिखो, हजारों वीडियो आ जाएंगी, सबको देखो, पूरा प्रोसेस जानो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फील्ड में अच्छा करियर ऑप्शन बताएं? आई नो आप इस फील्ड से नहीं है लेकिन आपके जानने में लोग तो होंगे, सो प्लीज ट्राई टू रिप्लाई माई क्वेश्चन। बल्कि तो बायो इसका मतलब ये नहीं कि MBBS ही करना है, नहीं, मेरे कुछ कजिन MBBS कर रहे हैं, कुछ BOMS कर रहे हैं, कुछ BHMS कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो ये पहले तुम खुद देखो तुम्हें बायो में क्या करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें टीचिंग लाइन में जानी है, क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, जो मैंने अभी नाम लिया उसके बारे में पढ़ो कैसे होगी, कैसे तैयारी करना है। और अगर तुम्हें टीचिंग फील्ड में जाना है तो BSc करो, PhD करो, ये सब करो, लेकिन तुम इसमें भी अगर मान लो तुम कोई कोर्स चूज करते हो BOMS BHMS whatever, तो इसमें मास्टर करके तुम प्रैक्टिस ना करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो पहले अपना इंटरेस्ट जानो, और तब भी ना समझ में आए तो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग ले लो, होती है वो, इजी कर देते हैं, तुम्हें नॉलेज देकर के ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो प्रॉपर सोच समझ लो, और जब एक बार घुस जाना फिर बहरे हो जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, एकदम बहरे बन जाना और उसी में डीपली डाइव करना, बस मैं ही कहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन AMU एज alumni, व्हाट आर थिंग्स यू आर मिसिंग, व्हाट वॉज योर एक्सपीरियंस इन AMU? AMU में आकर मुझे एक्सपोजर मिला, वरना मैं घर पे थी 5 साल MSc तक। AMU जब गई मैं पहली बार घर से निकली, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, बहुत कुछ सीखा, अनलिमिटेड एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने लोगों को समझना जाना वहाँ पे, लोगों को मैं समझने लगी हूँ, वरना मुझे पहले लोगों की पहचान नहीं थी, वो मुझे अब हो गई है AMU में 2 साल रहने के बाद, इतने लोग से इंटरेक्ट करने के बाद, किस्म किस्म के लोगों को देखने के बाद मुझे लोगों की पहचान हुई है, तो जो कि मेरे लिए बिगेस्ट एक्सपीरियंस है और जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे डील करने आ गया और बहुत सीखा यार मैंने। व्हाट आर थिंग्स यू आर मिसिंग, मैं क्या मिस करती हूँ वहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़? मैं उन दोस्तों को मिस करती हूँ जिनको मैंने 2 साल में बनाए, जिनसे मेरा बहुत अच्छा टर्म्स था, इन 2 साल में वो कभी नहीं बदले, हमेशा मेरा साथ दिया, उनकी वजह से मैं 2 साल वहाँ सर्वाइव की है ना, तो मैं वो मिस करती हूँ। और मेरे वहाँ पे सिर्फ less than 5 friends होंगे, और बाकी सबका जो है टाइम कुछ वक्त के बाद सबके रंग दिखने लगे। नेक्स्ट है, हाउ यू मैनेज स्टडी एंड वॉट इज़ योर स्ट्रैटेजी इन प्रोडक्टिव डे एज वेल एज अनप्रोडक्टिव डे? देखो अनप्रोडक्टिव डे बता के नहीं आता, अनप्रोडक्टिव डे कि कब होगा तुम्हारा, मेरा अनप्रोडक्टिव डे तब होता है एक सिंगल थॉट से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, एक निगेटिव चीज़ से मेरी पूरे दिन खराब होता है, तो मैं भागती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ कंज्यूम ना करूँ कि मेरा पूरा दिन वेस्ट जाए, अनप्रोडक्टिव हो, फिर मैं सैड हो जाती हूँ, फिर उसमें अनप्रोडक्टिव डे मैं सोती हूँ, सैडनेस से मुझे नींद बहुत आती है, मैं सोती हूँ। और हाउ यू मैनेज स्टडी, मैं ऐसे घंटा गिन के नहीं पढ़ती, जब पढ़ना होता है तो टारगेट बनाती हूँ कैसे करना है यूनिट वाइज, ऐसे ये सब करके टाइम टेबल बनाती हूँ, टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। What were your interest apart from study? मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे खेलना भी पसंद है, बैडमिंटन, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मौका मिलता है तो खेलती हूँ, और अदरवाइज यही ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, एडिटिंग करना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं ये आर्ट वार्ट बहुत करती थी, अब छोड़ दी, अब दिल नहीं करता, अदरवाइज पहले ये सब भी करती थी मैं।
Assalamualaikum. I'm very happy to see you that despite being such a big college, you protect your faith and have become an inspiration for all girls. ये inspiration वाली बात मुझे बहुत लोग बोलते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे inspiration मिलती है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बस वीडियो डालती हूँ, वीडियो में रहती क्या है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जा रही हूँ, ऐसे कर. तो inspiration अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी तरफ से unknowingly हो रही है. Of course, thank you. By the way, acquiring knowledge is a requirement of Islam, but acquire the knowledge of you are with full trust in your faith. Inshallah, I always pray to Allah for this, and I will continue to do so that Allah gives a girl like you the ability to strengthen and protect her faith. Ameen. ज़्यादा ही तारीफ हो गई, इतनी भी वो नहीं है. थैंक यू बाय द वे, बहुत अच्छा मैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिलोंग किस सिटी से करती हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट योर पीएचडी एडमिशन मेरा कैसे हुआ, इसके भी लंबी कहानी है. मैं बताती हूँ, एमटेक में एडमिशन हो गया, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आएगा, लेकिन मेरे टेंशन ये था कि मुझे पीएचडी करनी है. पूरे थ्रू आउट दो साल टेंशन रहती थी कि अगर नहीं हुआ ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया. तो ये था ड्रीम आते ही कि फॉरेन, अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन से पीएचडी करनी है, दिल में बैठा हुआ था. लेकिन जैसे जैसे एमटेक खत्म होने लगा, मैं करीब आने लगी, ये ड्रीम मेरा धुंधला होता गया ना, ब्लर होने लगा, क्योंकि मुझे दिखने लगा कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए, अभी जो चीज़ें वहाँ चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है. लाइक मेरे पास मैं इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं वहाँ रहूँ, और ड्रीम तो देख लिया लेकिन ये भी तो देखना पड़ता है कि तुम बीए क्या कर पा रहे हो, और मेरे पास रिसर्च पेपर नहीं है, मेरे पास आईएस नहीं है. जो इंग्लिश टेस्ट देते हैं एक मैंने दिया था एमएससी के दौरान, टॉइक जो कोर्स आउट कोरिया के लिए दिया था, लेकिन उसमें मेरा बैंड कम था, उसकी वैलिडिटी 2 साल थी, तो वो तो खत्म ही हो चुका था बर्बाद. तो मेरे पास ये नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, और रिसर्च पेपर हलवा नहीं है कि ऐसे बंदे और हो गया. तो ये सब पहले सोचा था एमटेक वाला काम करूंगी, जो भी तो करती थी ये सोचा. फिर धीरे धीरे ब्लर होने लगा, फिर मैं सोची कि दो ही चीज़ करूंगी, या तो पीएचडी बाहर से या तो आईआईटी, क्योंकि आईआईटी ड्रीम है, मेरा ड्रीम था हमेशा से, अब मौका मिल रहा है तो आई विल नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. तो मैंने थर्ड सेमेस्टर से ही देखना शुरू कर दिया था ना, और ये चीज़ें मैं करती थी खुद से, क्योंकि मैं लोगों को बताती थी, लोग अंडर एस्टिमेट करते थे ना, वो तुम्हें बहुत हल्के मिलेंगे, तुम अपनी चीज़ें मत बताओ, अपने ड्रीम्स मत बताओ, ये मत बताओ कि कहाँ तुम क्या चाहते हो, वो हंस के चले जाएंगे, वो अंडर एस्टिमेट करेंगे तुम्हें, उन्हें नहीं पता तुम्हारी काबिलियत क्या है, सिर्फ तुम्हें पता है तुम्हारी काबिलियत क्या है और अलग पता है. तो मैंने देखा, मैंने कभी इजहार किया चीज़ें तो देखते थे मजाक बनता था, तो मैंने बोलना छोड़ दिया, फिर मजाक बनने दिया, जो भी है. फिर मैं थर्ड सेमेस्टर से अप्लाई शुरू कर दी थी करना. तो मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ कहाँ डाला था, मैंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मंडी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, और क्या आईआईटी कानपुर, ये 6 जगह डाला था ना. और साथ में मैं प्रोजेक्ट डालती थी, किसी ने मुझे बताया कि लिंक्डइन पे आ जाओ, किसी ने कहा, मेरा फ्रेंड था उसने बताया कि किस दुनिया में हो तुम, लिंक्डइन पे आओ, वहाँ पे ऐसा ऐसा है. तो उसके कहने से मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई और उस पर एक्टिव हुई, लिंक्डइन पे सारे आईआईटी को फॉलो किया, जितनी भी आईआईटी है किसी को नहीं छोड़ा, एनआईटी, आईआईटी, वहाँ से मुझे पोस्ट मिलती थी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और वैकेंसी वगैरह. तो मैं करती रहती थी प्रोजेक्ट्स, मैं डालती रहती थी, कई प्रोजेक्ट्स डाले हैं. फिर मैंने फॉर्म की बात करी थी, मैंने 6 जगह डाला आईटी में, जहाँ मेरा गांधीनगर में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, कानपुर में सिलेक्शन नहीं हुआ, और कहाँ मंडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ बॉम्बे, शॉर्टलिस्टेड बॉम्बे, दिल्ली और कहाँ हैदराबाद, ये 3 जगह हुआ. तो मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और मैं इंटरव्यू दी, लेकिन मेरा कहीं नहीं हुआ. प्रोजेक्ट में भी डालती थी, इंटरव्यू देती थी, कहीं नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. फिर उसके बाद ये जो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन पड़े थे, उसमें तो मैंने कितने ईमेल्स फॉरेन प्रोफेसर को किए होंगे मुझे याद भी नहीं, मतलब मैंने पता नहीं कितने ईमेल किए होंगे, लेकिन रिप्लाई कहीं से नहीं आता था, कहीं से भी नहीं, पता है मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इसलिए नहीं आता. तो एकदम होता था, कहीं नहीं हुआ. फिर समर वेकेशन पड़ा, घर पे आ गई, बहुत टेंशन थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा कि क्या होगा. एक वक्त ऐसा आया था कि मैं सोची थी जाने दो, पीएचडी मैं शिबली से कर लूँगी, या फिर ये सोचा कि इंटीग्रल से, किसी ने मुझे बताया तो मैं सोची इंटीग्रल का मैंने डाला था कि कोई है इंटीग्रल का तो बताओ, तो मैंने ये सोची थी कि मैं इंटीग्रल में पार्ट टाइम पीएचडी करूँगी और साथ में मैं एडहॉक भी पढ़ाऊंगी, मैंने ये प्लान किया. लेकिन वो भी हुआ नहीं किसी वजह से, हो नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त ना वैकेंसी थी कुछ भी नहीं था, और इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा पैसे थे देने थे पीएचडी, और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था. ये हो गया. फिर उसके बाद समर वेकेशन में बहुत मैं टेंशन में थी कि क्या होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, एकदम मैं होपलेस हो रही थी, एकदम होता है गिव अप के लास्ट ऑप्शन, लास्ट उस पर थी. फिर उसके बाद पापा की फ्रेंड ने बताया कि कानपुर में वॉक इन इंटरव्यू है, उसको मैंने अप्लाई किया, मैं कानपुर गई, वहाँ मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हो जाएगा मेरा, पर नहीं हुआ. फिर उसके बाद अब ये था, मैं थक चुकी थी कि मैं नहीं डालूंगी, नहीं होने वाला मेरा, कहीं फालतू में होता है. फिर मुझे किसी मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने बताया कि जोधपुर आईटी जोधपुर अप्लाई करो, उससे मैंने ये कहा मैं नहीं डालूंगी, होता होता है नहीं, मुझसे नहीं हुआ. तो उसने कहा कि नहीं तुम डालो, तो उसके पुश करने से मैंने डाला फॉर्म. बड़ी चीज़ हो रही है, पुश, मुझे पुश बहुत किया गया, वो भी मेरे लोग ने मुझे पुश बहुत किया है, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी हार मान जाती हूँ, तो ढकेल देते, चाहे वो ब्लॉग बनाना, यूट्यूब भी मैं छोड़ चुकी होती, इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर. वो ये लोग मुझे पुश करते हैं, मेरे अपने लोग मुझे पुश करते, डालो डालो. अलीगढ़ में रूममेट्स और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मम्मी पापा, मतलब फैमिली, तो ये लोग पुश करते रहते थे मुझे कि करो करो करो, उनके पुश धक्का मारने की वजह से मैं करती थी, वरना मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ. तो खैर, फिर मैंने आईआईटी जोधपुर का डाला और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, और जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे वो मैं अप्लाई अटेम्प्ट कर रही थी, तो ये सारा हुआ. फिर मेरा यहाँ सेलेक्शन हो गया. बाय द वे, मेरा कोई नेट जेआरएफ नहीं है, नेट जेआरएफ नहीं है, गेट नहीं है, ये मैं बता दूँ. मेरा एमटेक के बेस पे इंटरव्यू दिया मैंने, उससे हुआ है. मैंने जर्नी बताई है, ये 1/4 होगी पूरी, है भी नहीं कितनी, बहुत लंबी कहानी है यार, इस पर तो नहीं बता सकती. और बहुत लोग पूछे कैसे हुआ, एमटेक किया, इंटरव्यू दिया, आईटी के फॉर्म डाले, क्रैक हुआ, देन आई एम हियर, ऐसे हुआ मेरा. Out of your num and happy to see you progressing like this, mashallah. Please share your educational journey till now from your hometown. I know that one day we will surely meet because I feel a very friendly bonding with you. Inshallah, zarur milenge. Maybe as a sister or friend. Alhamdulillah, वैसे I am from neighborhood district Ambedkar Nagar. If you know, then please reply me. Your lovingly, your friend, your sister. Thank you so much. बहुत अच्छा मैसेज था. हाँ, मैं अम्बेडकर नगर जानती हूँ, आजमगढ़ के करीबी है, पर मैं कभी गई नहीं हूँ, पर मुझे पता है.
तो ये बस इतने क्वेश्चन थे. हाउ मेनी गर्ल्स एंड ऑफ विच कोर्स इज टेकिंग बीबी फातिमा हॉल. देखो कितनी लड़कियां ये तो मुझे नहीं पता, होंगी 200-300 पता नहीं, मुझे नहीं पता. लेकिन किस कोर्स के रहते हैं, इंजीनियरिंग के रहती हैं, आर्किटेक्चर की रहती हैं, पीएचडी स्कॉलर्स रहती हैं, तो इस कोर्स की रहती हैं. इज देयर एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी इन योर हॉल. हाँ मैंने वीडियो बनाई थी, सारी फैसिलिटी है. जिम है और बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और जो भी हमें गेम्स खेलने होते हैं उसके इक्विपमेंट्स हैं, उसके सामान है सारे, तो हम ले सकते हैं. टेबल टेनिस भी है, तो सारी चीज़ें हैं. विच थिंग यू लाइक द मोस्ट इन एमयू? एमयू का इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर एमयू में अच्छे लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और क्या मुझे पसंद है? When do you sleep and get up in the morning? आज तक मुझे नहीं पता. How many hours do you study? मैं घंटे नहीं गिनती. For which job? उस वक्त मैं PhD के लिए देख रही थी जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. What is your ambition to become in life? बनना ना बनना तो नहीं पता, पर मुझे बस अगर कुछ लाइफ में एम है तो बस ये है कि अपने माँ बाप को ढेर सारा प्राउड कराना है, बहुत प्राउड फील कराना है. मतलब मैं कुछ भी कर पाऊँ तो वो है प्राउड फील करवा के, तो मैं ये करना, ये मेरा एम है. फिर क्या है? Where do you stay in Azamgarh? What is your criteria to choose your life partner? हो गया, that's it.